जैसे देख रहे हैं यहाँ पर इस काजल लगाई हुई है, चिपक गया है। क्यों चिपका है? क्योंकि काजल में क्या है, असंजक बल है। जितना मजबूती से असंजक बल रहेगा, असंजक बल की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी, वो चीज उतने देर तक चिपका रहेगा। तो बहुत बढ़िया से काजल चिपका रहेगा। देख रहे हैं कितना बढ़िया से इसका चिपका हुआ है। लेकमे वगैरह में क्या रहता है, असंजक बल की वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है, और यही वैल्यू कम रहेगी तो लगाएंगे तो आधा घंटा बाद पोता जाता है। तो दुल्हा को जो काजल लगाया जाता है ना, तो दुल्हा के काजल में असंजक बल कम रहता है, तो बेचारा बारात के समय तैयार होकर जाता है, वहां तक पसर के बह जाता है, तो दुल्हा लगता है जैसे फांसी देने वाला जल्लाद है। लेकिन जो दुल्हन को काजल लगाया जाता है, उसका असंजक बल क्या रहता है, ज्यादा रहता है, क्योंकि वो ब्रांडेड कंपनी का लगाया जाता है, तो उसके असंजक बल में वैल्यू रहता है, तो खूब अच्छा से पकड़े रहता है। बचपन में याद होगा तो हम लोग को तो बचपन में मम्मी कैसे काजल लगाती, थरिया उलाट के पीछे दिया रख देती थी, काजल बन के रेडी हो गया, सवेरे ले कहीं से पोत दो, यहाँ पर पूरा बढ़िया से आँख बटोर के एकदम चौड़ा पट्टी से पोत दो, एक बढ़िया से टीका पोत दो कि बबुआ को नजर ना लगे, और नवरातन में तो पूरा पेट उट सब पोत पात दो। तो ये सब जो देसी काजल बना रहे हैं, इसका असंजक बल की वैल्यू कम होती है, तो ये उतना अच्छा से नहीं चिपकते हैं दूसरे चीज में। लेकिन जो कंपनी बनाती है, ब्रांडेड कंपनी, वो असंजक बल का अच्छा खासा ध्यान रखती है, तो लैक्मे ये सब क्या क्या आता है, तो उसमें क्या रहता है, अच्छा वैल्यू रहता है। तो ये भी किस कारण है भैया, असंजक बल के कारण। आप देखेंगे लाली जो होता है, लाली समझते हैं, ठोड़ रंगने वाला, वो भी क्यों चिपक जाता है, असंजक बल, उसमें भी जो है असंजक बल। ठोड़ रंगने वाला अलग चीज है, उसको क्या बोलते हैं, लिपस्टिक, और वो यहाँ चिपक गया, वो भी असंजक बल के कारण। अगर महंगा वाला रहेगा तो ज्यादा देर तक चिपका रहेगा, और सस्ता हुआ रहेगा तो ठोड़े पे इसे लेभड़ा जाएगा। जैसे यहाँ देखिए आप लोग ठोड़ देखिएगा इसका, ये वाला जो ठोड़ है ये इसमें क्यों चिपका हुआ है लाली इसका, क्योंकि उसका असंजक बल जो है, असंजक बल इसकी वैल्यू यहाँ पर ज्यादा है, और यही कम रहेगा ना तो लेभड़ा जाएगा, पोटा जाएगा। आप लोग लड़कियां को ध्यान से मत देखा कीजिए, आप लोग को बार बार समझाते हैं, फिजिक्स का टॉपिक समझिए। इसको देखिए, इसे जो लग रहा है मोबिल पुतले है यहाँ पर, ये पक्का सीबीएसई बोर्ड की होगी, क्योंकि वही ऐसा ऐसा क्रांतिकारी काम करता है सब, बाकी हिंदी मीडियम वाला ये सब नहीं करता है सब। तो ये क्या, क्यों चिपका हुआ है, मोबिल जो लगाई हुई है ये क्यों चिपका है? मोबिल इसीलिए चिपक गया इसके ठोड़ पर, क्योंकि जो मोबिल लगाई है या ये जो ठोड़ रंगने के लिए लगाई हुई है, उसमें असंजक बल की वैल्यू ज्यादा है। तो कभी भी एक चीज दूसरे चीज पर चिपकती है तो असंजक बल, आपस में चिपकता है तो ससंजक बल, पानी का बूंद जो है वो आपस में चिपका रहता है किसके कारण, ससंजक बल के कारण। अब पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस के नाम पर जानते क्या है, ये धुकधुकुआ मशीन, हमारा जो एयरफोर्स जाएगा ना, अरे उस समय हमारा सबसे पुराना जहाज गया था MiG-21, अब तो जाएगा राफेल एकदम तक, तो मारना इसे धुक 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 धुक, कुछ दिन में हम लोग दिवाली में इसी को जलाएंगे लोग। अखर पाकिस्तान को अगर जरूरत है तो हमारे यहाँ दिवाली में बहुत पटाखा बचा है, लेके जा सकता है यहाँ पर। अब पाकिस्तान को डर इस बात का है कि अब की बार जो भारत मारेगा उसे जरा पानी में घुस के मारेगा। अब पानी में घुस के मारेगा तो पहले पनडुब्बी को मारेगा, हमारी पनडुब्बी ऊपर निकल के हाँफेगी, सांस लेगी, हाँ जनरेटर चालू कर रहे हैं, बैटरी चार्ज कर, और आके मार देगा। भारत के इसरो के सेटेलाइट एकदम कोना कोना पे नजर रखे हैं, सर ले ससुर चल गया। तो भैया तुमको जब पता था पाकिस्तान के लोग कि तुम लोग इतना इतना कांड करके बैठे हो, तुम लोग को कुछ बनाने नहीं आता है, खैनी बनाना जानते हो लोग, उसके अलावा फ्रांस से ज़्यादातर चीज़ लिए हो, तुम उसी के यहाँ विरोध कर दे, मतलब पानी में उतर के मगरमच्छ को चैलेंज की क्या कर लोगे। खैर पाकिस्तान ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया, और पाकिस्तान के लोग को हमारी बात बुरा लगता है, कुछ तो हिंदुस्तान के लोग को हमारी बात बुरी लग जाती है कि अरे भाल है भैया, तो आपको बुरा लगता है तो लगे, क्योंकि हमको अपना देश पसंद है और बेबी को बेस पसंद है। इधर का बकलन बाको आई, नदी देखो यहाँ पर, नदी दिख रही है, ये नदी है, तनी से पानी है ससुरा में, ये बुढ़ा गई है नदिया, ये हचाक हचाक काटी थी आज से लगभग करोड़ों साल पहले, ये बराबर जमीन था, उसको काट कूट के भी आकार गार्ज आई, हचाक हचाक काटी यहाँ पे, इसे मार दे लाते मार देने, हचाक से गिरेगा में जाके यहाँ पे, ये क्या है, ग्रैंड कैनियन है यहाँ पे, समझा गया कि नहीं गया। सबका अपना अपना मेंटेलिटी होता है, हर धर्म की मेंटेलिटी अलग होती है, और हर बोर्ड के लड़कों की मेंटेलिटी अलग होती है। अगर आप यहाँ सीबीएसई बोर्ड का लड़का खड़ा करेंगे ना, देखिए ये ग्रैंड कैनियन है, ये क्या है, ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन, ये कौन सी नदी है, कोलोराडो नदी, कोलोराडो नदी, कोलोराडो नदी यहां पर। आप अगर इस ग्रैंड कैनियन में अगर कोई हिंदी मीडियम का लड़का खड़ा करेंगे, सीबीएसई का खड़ा कर दीजिएगा यहाँ पे, तो कहेगा ओ माय गॉड सो डीप दिस इज, और हिंदी मीडियम का खड़ा करेंगे ना तो कहेगा कि चल चल थूकते हैं, देखते हैं किसका पहले पहुंचता है, मैं तो सोच रहा था समूतने लगेगा वो।
मेंटेलिटी होती है ये सीबीएसई वालों का अलग दिमाग होता है, वो तो थूकेगा पहले किसका पहुंचता है, चल चल तुम ही थूक तुम ही थूक तू और देख देख हमारा हमारा पहले पहुंच गया यहाँ पे। तो जिस तरह से अलग अलग धर्म के लोगों की अलग अलग मेंटेलिटी, उसी तरह अलग अलग बोर्ड के स्टूडेंट की अलग अलग मेंटेलिटी होती है, वो डिपेंड करता है कैसे सराउंड में। आप बताओ हम गलत बोल रहे हैं? यही होता है, बचपन में हम लोग भी थूकते थे लोग, हम सीबीएसई बोर्ड से पढ़े आधा सीबीएसई बोर्ड मैट्रिक के बाद छोड़ दिए सीबीएसई। तो ये समझ में आ गया ग्रैंड कैनियन क्या होता है। ग्रैंड कैनियन जो है वो एक बहुत बड़ा गड्ढा है, किस नदी द्वारा बनाया गया है, कोलोराडो नदी के द्वारा बनाया गया है, अमेरिका में कोलोराडो नदी है, उसके द्वारा इस ग्रैंड कैनियन को बनाया गया है। यस सर कह रहे हाँ हाँ मैं भी थूका हूँ, हम भी थूके हैं लोग बहुत बदमाश होता है हिंदी मीडियम का लड़का, सीबीएसई वाला लड़का बदमाश नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही, सीबीएसई वाला घुस जाता है सब, हम कभी सीबीएसई की बुराई किए नहीं किए, जैसा होता है सब हम बता देते हैं, ऐसे नहीं होता है सब।